نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين شرح अरबईन नववी हदीस नंबर 7 दीन खैर खाही का नाम है। हदीस हजरत अबू रुकैया तमीम बिन औसदारी रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए, यानी किसके लिए खैर खाही का नाम है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के लिए, उसकी किताब के लिए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आयमतुल मुस्लिमीन के लिए और अवामुन नास के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत सी हदीस है और इस्लाम का रंग और इस्लाम का मिजाज जो है वो इस हदीस से समझ आ रहा है। सहाबा इकराम की रिवायत से हमें, रावी की रिवायत से पता चलता है कि आपने फरमाया कि दीन खैर खाही का नाम है। जब आपने एक छोटा सा इतना अहम सा पैगाम दिया तो सहाबा इकराम ने उसके बारे में फौरन ही सवाल कर लिया। आपने फौरन ही सहाबा इकराम ने सवाल किया कि आपका खैर खाही से क्या मुराद है और किस से खैर खाही का तस्करा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो बहरहाल सहाबा इकराम का एक रवैया तो ये समझ में आता है कि जब उनको कोई बात बताई, कोई सबक सिखाया, कोई दरस दिया जाता था या हुक्म दिया जाता था तो जब उनको क्या होता था, उनको समझ नहीं आता था तो वो मजीद इसके बारे में सवाल करते थे। और ये बात मैं बहुत दफा बताती हूँ कि सवाल सहाबा इकराम कसर से सवाल करते नजर आते हैं। किसी भी तालीम की नशिस्त में सवाल करना नापसंदीदा नहीं है, मना नहीं है, नाजायज नहीं है और बल्कि डिसलाइक भी नहीं है, बशर्ते के वो जो हदीस के अल्फाज है इन मालामालू भी नियात के अमाल का दारो मदार नियत तो पर है, बशर्ते कि वो सवाल जो है अपने अमल की इस्लाह के लिए हो, अपने इल्म के इजाफे के लिए हो या कोई गलत अपना कॉन्सेप्ट है उसकी दुरुस्तगी या इस्लाह के लिए हो। लेकिन बस औकात सवाल जो है वो महज फितने के लिए किए जाते हैं, महज फितने के लिए और महज जो है वो एक इंतशार और बिगाड़ फैलाने के लिए। जैसे स्कूल और कॉलेजों में भी आपने देखा होगा कि बच्चे बस औकात जो है ना वो एक सवाल करते हैं कि अच्छा टीचर से एक मुश्किल सा सवाल करते हैं और फिर टीचर का तवा लगाते हैं और उसको जो है वो हम कॉर्नर करने की, तो वो सवाल पसंदीदा नहीं है। लेकिन जो मुस्बित नियत से किया जाता है वो सवाल पसंदीदा है। और सहाबा इकराम कसरत से बहुत सी हदीस में आपको उनका सवाल का तरीका नजर आता है और जब वो सवाल करते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको डिसलाइक करते थे ना, पसंद ना पसंद फरमाते थे ना मना करते थे, बल्कि हमेशा जब सवाल किया जाता था तो आप उसका जवाब देते थे। क्योंकि हदीस के अल्फाज क्या है दोहरा लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब किसी शख्स से किसी बात के बारे में सवाल किया जाए और उसके पास उस चीज का इल्म हो और इल्म के बावजूद अगर वो उसका जवाब ना दे तो क्या है, ये बदतरीन बुखल है ना कि वो शख्स उस इल्म के खजाने के ऊपर एक गज्जा सांप बन के बैठा हुआ है ना, बुखल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर क्यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उम्मत को ये चीजें नहीं बताई, खुद अमली नमूना भी बताया। तो सहाबा इकराम ने, अभी मैं आपको बताऊं कि ऐसी नशिस्तों में सवाल इसलिए किया जाता था कि वो उस चीज की हकीकत को जान के अमल करने के ख्वाहिशमंद थे। क्योंकि जहां सवाल नहीं होता ना और सिर्फ समात होती है, सिर्फ सुन के अच्छा अच्छा हाँ जी हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि अगला बंदा क्या है, इंटरेस्टेड ही नहीं हो, है ना। हमारी महफिलों में हमारे जो सेशन के बाद कितनी इंटेरोगेशन होती है वो इसीलिए क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है बिकॉज एवरीबडी इज इंटरेस्टेड। आप ये डेफिनेट पैमाना है। मैं कई दफा इसको इस तरह महसूस करती हूँ कि बहुत दफा ऐसा होता है कि किसी को मैं क्लास की दावत दूं और वो आके ना बड़े पोलाइट से तरीके से बड़े गर्म जोशी से कि हाँ जी मैं जरूर आऊंगी, लेकिन उनके हाँ जी मैं जरूर आऊंगी से मुझे पता होता है किसने आना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ना जगह पूछी, ना वक्त पूछा, ना कोई दिन पूछा, तो वाजे तौर पर पता चल रहा होता है कि जिसने सिर्फ मुझे गर्म जोशी से जो हाँ हाँ जी जरूर, हमें तो कुरान से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन उसने पूछा ही कुछ नहीं तो सवाल ही नहीं किया उसके क्लास की हकीकत के बारे में, तो आपको वही पता होता है कि ये बंदा सीरियस नहीं है।
लेकिन जो सीरियस होता है उस चीज की हकीकत को और उसके साथ जुड़ने को, तो वो जरूर ही आपसे दिन भी पूछता है, वक्त भी पूछता है। तो यही सहाबा इकराम का तरीका है और यही हमारा भी तरीका होना चाहिए कि जब हम कुरान का, हदीस का कोई हुक्म पढ़े सुने तो उसकी गहराई में जाकर उसके बारे में क्वेरी करना, क्वेश्चन करना ये नापसंदीदा नहीं है, बल्कि ये एक इंडिकेशन होती है कि अगला बंदा बहुत हसास है और उस पर एक्चुअली अमल करना चाहता है और उसके सारे पहलुओं को, उसके सारे एस्पेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को करेक्ट तरीके से जानना चाहता है। तो सवाल करना इंतहाई पसंदीदा, और आज हमारी यूथ तो ढेर से सवाल करती है, और हम बस औकात ना बच्चों को ये बात समझाया करें कि, और उनके सवालों से कुछ झंझला भी ना जाया करें। आजकल मैं बहुत दफा देखती हूँ कि माए आके मेरे पास शिकवा करती है कि जी बच्चे बहुत ही सवाल करते हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि वो सवाल इसीलिए करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू नो द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, राइट और रॉन्ग की पहचान के लिए। एक छोटा सा बच्चा जो माँ बाप के साथ जा रहा होता है वो कितना सवाल करता है, कब्बे को हाथ इशारा करके अम्मा वो क्या है, फिर अम्मा बताती है कब्बा है, अम्मा वो क्या है, बेटा कब्बा है, अम्मा वो क्या है, बेटा कब्बा है, बिकॉज वो नहीं जानता ना। तो इसी तरह आज हमारे बच्चे अगर दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, अकायद के बारे में सवाल करते हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि बड़े तहम्मुल से उनका जवाब देना चाहिए। और जो हम बस औकात कई दफा इरिटेट भी इसलिए होते हैं कि हमारे पास इल्म की कमी होती है और हम उनको जवाब दे नहीं पा रहे होते और हम कॉर्नर हो जाते हैं और वो मैं कहता हूँ लो आप तो इतने सालों से जा रही हैं, आपको इतनी बेसिक बात नहीं पता, और वो फिर हमारी अनाक का मामला बन जाता है। बिछड़ के हम उनको ना जैसे बंद करने का उनका मुंह कोशिश करते, तुम सवाल बड़े करते हो, नहीं, इस यूथ के सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है और आज के दौर में देना बहुत जरूरी है और सही चीज के साथ देना जरूरी है, बिकॉज अगर हम जवाब नहीं देंगे ना तो आज नेट के ऊपर हर किस्म का उटपटांग जवाब मौजूद है। तो दिस इज वट वी नीड टू, एक बॉन्ड हमारे दरमियान हमारी औलादों के साथ इस दीन के मामले में सवाल जवाब के साथ जरूरी होना जरूरी है। तो बहरहाल सहाबा किराम ने सवाल किया कि दीन में किस किस की खैर खाई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे खैर खाई किसकी करनी है उन तमाम का पैमाना जो है वो समझा दिया। और खैर खाई अन नसीहा का मतलब क्या है अरबी जबान में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था ना अद दीन उन नसीहा, दीन बुनियादी तौर पर क्या है, नसीहा। नसीहा अगर अरबी जबान में देखें तो अलामा खताबी का मैंने हवाला देखा कि अलामा खताबी कहते हैं कि नसीहा जो है ना वो अरबी में एक बहुत ही जामे सा कलमा है, और उन्होंने कहा कि अरबी जबान में नसीहा का मतलब है किसी के हक की हिफाजत करना, किसी के हक की हिफाजत करना अरबी जबान में नसीहा है। और वैसे भी अगर आप उर्दू में भी देखें तो हम तो नसीहा का मतलब खैरखाई लेते हैं, लेकिन किसी की बेहतरीन खैरखाई क्या होती है कि उसके हकूक की हिफाजत की जाए, है ना, किसी के हकूक की हिफाजत जो है वो बेहतरीन खैरखाई होती है। बीवी शोहर की अगर खैरखाई करती है तो क्या करती है, उसके हकूक की हिफाजत करती है, शोहर बीवी के हकूक की हिफाजत करते हैं तो वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा होता है, उसकी खैरखाही कर रहा होता है। तो नसीहा का मतलब देख लीजिए, नसीहा का मतलब एक अरब आलिम जो बता रहे हैं वो क्या है, इसका मतलब सिर्फ खैरखाही नहीं है बल्कि किसी के हकूक की हिफाजत करना है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे हमें बताया कि हमें फिर खैरखाही करके किस किस के हकूक की हिफाजत करनी है, सबसे पहले अल्लाह के, फिर अल्लाह की किताब, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उलुल अमर या जो आइमतुल मुस्लिमीन है, जो हुक्मरान है, और फिर आमतुल नास, तमाम अवामुल नास की हकूक की हिफाजत करनी और सबके साथ खैर करनी। गोया एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हर एक के साथ, हर सता, हर वक्त, हर मुसलमान के साथ खैरखाही करना, ये बुनियादी तौर पर दीन की तकमील के लिए जरूरी है। अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए खैरखाही का तसव्वुर क्या है, अल्लाह को किसी की खैरखाही की जरूरत है, अल्लाह तो खुद सरापा खैर है, अल्लाह तो खुद खैर है, अल्लाह तो खुद अल हक है, अल्लाह तो अगर आप देखें तो खुद मुक्तदिर है, कदीर है, उसके साथ खैरखाही का क्या तसव्वुर है, उसको उसके हकूक की हिफाजत, क्या उसको जरूरत है कि उसके हकूक की हिफाजत करे। अल्लाह का तो अपना सिफाती नाम है कि वो वकील है, वो कारसाज है, वो अल मुहैमिन है, वो दूसरों की और कायनात की और मखलूक की सारी चीजों की तो वो हिफाजत करता है, तो उसके हकूक की हिफाजत करना और उसके साथ खैरखाही करने का तसव्वुर क्या है, ये सब में ना एक बात का अंदाज है। कुरान में भी आपको बहुत जगह इसे इसी से मिलती जुलती बातें नजर आती है, जैसे अल्लाह सुभान व तआला सूरह बकरा में फरमाते हैं मैं युक्रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। आप बताएं क्या अल्लाह को हमारे कर्ज हसना की जरूरत है,
नहीं है ना, आगे ही अल्लाह बताता है फयुज़ाफ़न कसीरा। हजरत अबू दादा ने भी पूछा था, जब ये आयत आई थी तो वो भी खड़े हो गए थे, जैसे हमारे जहनों में सवाल आ रहा है कि अल्लाह को खैर खाई की क्या सूरत है। तो जब ये कुरान की आयत आई कि कौन अल्लाह को कर्ज हंसना देगा, तो अबू दादा रजी अल्लाह तआला ना खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह हमसे कर्ज हंसना मांगता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू दादा, अल्लाह तुमसे कर्ज हंसना मांगता है। और फयुज़ाइफ़ुहु ज़ाफ़न कसीरा का मतलब आपने बताया कि वो उस कर्ज हंसना के बदले तुमसे क्या करता है, तुमसे जन्नत के बागों का वादा फरमाता है। तो फिर हजरत अबू दादा रजी अल्लाह तआला ने अपने दोनों बाग दे दिए थे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं अबू दादा, क्या करो, दीन इत्तेदाल का नाम है ना, सदके खैरात में सब कुछ दे के खुद फकीर और मुफलिस हो जाना भी दीन का तरीका नहीं है। तो आपने फरमाया कि एक बाग दे दो और दूसरा बाग, दोनों में से एक बाग दे दो और एक रख लो। तो फिर कुरान की आयत है कि जब अल्लाह की राह में देने लगो तो नाकिस रद्दी नाकारा ना दे दो। तो हजरत अबू दादा ने फरमाया कि जो मेरा इन दोनों बागों में से जो बेहतर बाग है, और बेहतर बाग में उनका घर भी था, कुआं भी था, खजूरों की बाड़ भी थी और अंगूरों की बेलें भी थी, वो बेहतर बाग दे दिया जिसमें अपना रेजिडेंस भी है, और देर दिला के जब मुतमैन पुरसकून है कि बस ये बाग दे दिया और जन्नत का बाग ले लिया। और फिर आके बीवी को आवाज दी थी, क्या कहा था बीवी को, उम्मीद दादा ये बाग मैंने अल्लाह को कर्ज हंसना दे दिए और इसके बदले मैं जन्नत के बागों का उम्मीदवार हूँ। तो बीवी ने अपना सामान भी और बच्चे भी लिए थे और क्या फरमाया था, अबू दादा सौदा खूब किया। तो ये तो अल्लाह का कहने का एक अंदाज है। इसी तरह अल्लाह सुबहाना तआला ना सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 7 में भी फरमाते हैं, अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह, ईमान लाने वालों अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो क्या करेगा, यंसुरुकुम, वो फिर तुम्हारी मदद करेगा, वो युसब्बित अक़दामकुम, वो तुम्हारे कदम जमा देगा। तो अल्लाह को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, है ना, अल्लाह को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों करना है, ताकि वो क्या करे, वो हमारी मदद करे और हमारे हमारे कदम जमाए और हमें साबित करनी दे। इसी तरह हदीस में भी बहुत दफा इस तरह मिलते जुलते अल्फाज आते हैं, वो हदीस खुद से आपने सुनी होगी कि अल्लाह सुबहाना तआला क़यामत के दिन पूछेगा, सवाल करेगा, ए इब्ने आदम तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। ये इसी तरह के मिलते जुलते मफहूम है ना, अल्लाह की खैर खाई करो, हाँ ए इब्ने आदम मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे प्यास नहीं पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था तू मेरी आदत को नहीं आया। तो बंदा हैरान होकर कहेगा कि अल्लाह तू कैसे भूखा था, तू कैसे प्यासा था, तू कैसे बीमार था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाएंगे, मेरा फलां बंदा भूखा, फलां बंदा प्यासा, फलां बंदा बीमार था, अगर तू उसकी आदत को जाता तो तू मुझे वहां पाता। तो ये वो तसव्वुर है, ये वो तसव्वुर है। या जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि जो अल्लाह के काम के लिए निकलता है फिर अल्लाह उसके काम के लिए निकल आता है, है ना, जो अल्लाह के काम के लिए निकलता है फिर अल्लाह उसके काम के लिए निकलता है, और जो अल्लाह का कोई काम बनाता है फिर अल्लाह उसका काम बनाता है। अब क्या अल्लाह को जरूरत है कि हम उसके काम के लिए निकले, नहीं ना, यही वो कॉन्सेप्ट है। अल्लाह के साथ खैर खाही करने का फिर मतलब क्या है, अल्लाह के साथ खैर खाही करने का मतलब एक अल्लाह के हकूक की हिफाजत करने का मतलब यह है कि अल्लाह के हकूक की हिफाजत की जाए, दूसरा अल्लाह के दीन की हिफाजत की जाए, और तीसरा अल्लाह के बंदों के हकूक और अल्लाह के बंदों के साथ खैर खाही की जाए। ये अल्लाह की खैर खाही का तसव्वुर है। अल्लाह के हकूक में से पहला हक कौन सा है, कलमा तैयबा में कौन सा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को इलाह बनाना। तो अल्लाह की मखलूक को खालिक के साथ जोड़ना ये क्या है, ये अल्लाह की खैर खाई है। अल्लाह की बहुत सी मखलूक है जो अल्लाह के आगे झुकती नहीं, अल्लाह के हक नहीं देती, अल्लाह की इबादत नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ती, सजदा नहीं करती, तस्बीह नहीं करती, जिक्र नहीं करती। तो अल्लाह की उस भटकी हुई मखलूक को अल्लाह के साथ जोड़ देना ये क्या है, ये अल्लाह के साथ खैर खाई है, ये अल्लाह के हक की हिफाजत है। अल्लाह इलाह है, अल्लाह हाकिम है, अहकमुल हाकमीन है, अल्लाह मालिकुल मुल्क है। तो अल्लाह के साथ खैर खाही अल्लाह के हक की हिफाजत क्या है, कि इस जमीन पर किसकी हाकमियत कायम की जाए, अल्लाह के दीन की हाकमियत कायम की जाए, अल्लाह की हकूमत और अल्लाह का निजाम कायम किया जाए, ये अल्लाह के साथ खैर खाही। समझ में आई है बात, अल्लाह के साथ खैर खाही क्या है, अल्लाह की अगली एक्सेप्ट क्या है, अल्लाह क्या है, वाहिद अहद। तो फिर अल्लाह के हक की हिफाजत क्या है,
शिर्क की नफी करना, तौहीद को राइज करना, माशरे में से शिर्क को उखाड़ उखाड़ के निकालना, अल्लाह का हक है कि उसको आहद माना जाए, उसको वाहिद माना जाए। मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है अल्लाह के साथ खैर खाई। माशरे में से मुश्रिकाना रसूमात को, मतों को, मुरादों को, नजरों को, न्यासों को, कब्र परस्तियों को, कब्रों के ऊपर सजदों को, इन तमाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो खैर खाई की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतह मक्का के मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन है जो किसी कब्र को हमवार ना कर दे और किसी बुत को ना तोड़ दे, कोई बुत ऐसा ना छोड़े जिसको वो तोड़ ना दे, कोई कब्र ऐसी ना छोड़े जिसे हमवार ना कर दे, कोई तस्वीर ऐसी ना छोड़े जिसे मिटा ना दे। तो यही तो अल्लाह के साथ खैर खाई है, यही तो अल्लाह के साथ खैर खाई है। जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती के बुतों को तोड़ के बड़े बुत के कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा रख दिया था, वो अल्लाह के साथ खैर खाई थी। और फिर अल्लाह के साथ खैर खाई अल्लाह के बंदों के साथ, क्योंकि अल्लाह की मखलूक क्या है, अल्लाह का कुंबा है। तो अल्लाह के साथ खैर खाई का तसव्वुर सबको समझ में आ गया कि जी अल्लाह के साथ खैर खाई क्या है और अल्लाह के साथ खैर खाई असल में क्या है, फायदा किसको देगी, मुझे और आपको, हमारी अपनी जात को। दूसरी खैर खाई किसके साथ करनी है, अल्लाह की किताब के साथ खैर खाई। हदीस में दूसरी खैर खाई का तसव्वुर समझाया जा रहा है कि किताब अल्लाह के हकूक की हिफाजत की जाएगी और किताब अल्लाह के साथ खैर खाई की जाएगी। अल्लाह की किताब कुरान के साथ खैर खाई क्या है, इसको सुनना सुनाना, इसको पढ़ना पढ़ाना, इसको सीखना सिखाना, इसको समझना समझाना। और ऐसी खैर खाई करने वाले को फिर हदीस ने दर्जा क्या दे दिया, खैरकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, है ना। जो कुरान का ये हक है, यही हक है ना कुरान का, कि कुरान को समझा समझाया, पढ़ा पढ़ाया, सीखा सिखाया जाए, इस पर अमल किया जाए और करवाया जाए, इसकी हिफाजत की जाए और करवाई जाए, इसको अपनी जात और अपने घर में नाफिज किया जाए, उसको माशरे में भी नाफिज करवाया जाए, यही इसकी खैर खाई है और यही इसकी हिफाजत इसके हकूक की है। तो ये खैर खाई करने वाले को अल्लाह सुब्हान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू कह दिया। और कुरान की खैर खाई है कि कुरान के निजाम को नाफिज किया जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुरान की खैर खाही के लिए क्या सिखाया गया था, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, क्या क्या करें, आप इस कुरान को लोगों तक पहुंचा दें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कुरान की इस खैर खाई और कुरान के इस हक के लिए लगा दिया, हक का तिलावत ही के लिए लगा दिया। और हजरतुल विदा के मौके पर फिर अपनी खैर खाई की गवाही कैसे ली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता ना कितना बड़ा सा एक जम्मे गफीर है। और आपने सबसे यही तो ये सवाल ही तो था कि क्या मैंने इस कुरान की खैर खाई की है, क्या मैंने इस कुरान की तबलीग की है, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का कलाम पहुंचा दिया। और फिर सारी वो इतना बड़ा जो मजमा था, यक जबान उन्होंने क्या कहा था, आपने अल्लाह का कलाम पहुंचा दिया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गवाह रहना अल्लाह गवाह रहना अल्लाह गवाह रहना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान की खैर खाई का हक सिखा के क्या फरमाया था, फल युबल्लिगुल गायब शाहिद, अब यहाँ जो लोग हैं वो गैर हाजिर लोगों को पहुंचा दें। और सहाबा इकराम फिर हदीस के पैगंबर बनके और हदीस के दाई बनके सारी बस्तियों में निकल गए। सहाबा इकराम ने कुरान की खैर खाई कैसे की थी, मदीना में बैठ के मक्का में बैठ के कुरान खानी की महफिलें बरपा करके, या सिर्फ कुरान को हिफ्ज करके या सुना के या नाजरा कुरान पढ़ के खैर खाई की थी। सहाबा किराम तो निकल गए थे मक्का मदीना से, कहाँ कहाँ निकल गए थे, हाँ कोई एक पहाड़ों पे, कोई समुद्रों में, कोई सर्दी आजाने, कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, यही था ना, यही था। तो ये कुरान की खैर खाकी है कि कुरान की तालीम के इदारे बनाए जाएं, उसकी तबलीग, उसकी इशात का निजाम कायम किया जाए, उसको अपना निजाम में हुकूमत और निजाम में हयात बनाया जाए, ये कुरान के साथ खैर खाई है। हम अभी जब कोई कुरान के साथ खैर खाई करता है तो फिर कुरान क्या करता है उसके साथ, जो अल्लाह के साथ खैर खाई करता है तो फिर अल्लाह उसके साथ खैर खाही करता है। जब कोई कुरान के साथ खैर खाही करता है तो फिर कुरान कैसे खैर खाही करता है, वल कुरान हुज्जतल्लक अवलाइका, तो जिसके साथ कुरान, कुरान के साथ जो हक खैर खाही करते हैं और कुरान के हकूक की जो हिफाजत करता है, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि फिर कुरान उसके हक में हुज्जत देने वाला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि दो साफी, दो सिफारिशी ऐसे है कि जिनकी सिफारिश रद्द नहीं होगी, कौन सी सिफारिशी है, रोजा और कुरान।
ये है जो कुरान की खैर खाही करेगा, जो कुरान के हकों की हिफाजत करेगा, फिर कुरान उसकी हिफाजत करेगा और कुरान उसकी खैर खाही करेगा। और कब करेगा? जब वो तन्हा होगा, जब उसके आगे पीछे कोई नहीं होगा। और फिर कुरान जब खैर खाई करेगा तो वो सिफारिश करेगा, वो झगड़ा करेगा, वो साया बनेगा, वो कब्र का साथी बनेगा, वो कब्र का नूर बनेगा, वो अजाब के फरिश्तों को सराहने की तरफ से रोकेगा। ये है कुरान की खैर खाही का तरीका और ये है कुरान की खैर खाही का इनाम और बदला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर खाही क्या है? आपके हकूक, हाँ जी हाँ जी, आपके आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैर खाही, उनके हकूक की हिफाजत, कि उनसे मोहब्बत की जाए और कराई जाए, उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत, उनका उनकी एहतराम। अब मुझे बताएं, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर खाही का तकाजा, कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है, बताएं उसके बाद उसकी खैर खाही का तकाजा क्या है? जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है, वहां पे आशिकाने रसूल को क्या करना चाहिए? जो गुस्ताखाने रसूल है उनकी प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना चाहिए कि नहीं? क्या ख्याल है? ये खैर खाई का एक कैसी खैर खाई है? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक नहीं है कि उम्मत उनका अदब करे, इज्जत करे, मोहब्बत करे, अकीदत करे, एहतराम करे? और जहां मोहब्बत, अकीदत, अदब, एहतराम में कमी हो, वहां पे ये सरफरोश क्या करें? खैरखाही का यही तो तकाजा है कि जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन हकूक में कमी हो, वहां पर वो उठ खड़े हो अपनी जबान से, अपने कलम से, अपने अल्फाज से और फिर अपने माल से भी उसकी मुखालफत करें। आज हमें यही तो खैरखाही है जो मुझे और आपको आज करनी है। वो खाके बनाने वाले, वो फिल्में बनाने वाले, वो कार्टून बनाने वाले आराम से पनपते भी हैं और बढ़ते भी हैं और कारोबार भी चलते हैं। कल मेरे पास एक क्लिप आई कि जी वो उन्होंने कहा है कि बैन कर दें लीवर ब्रदर्स की प्रोडक्ट्स को और फलां को, तो फिर हम क्या करें, हम कैसे करें? खैरखाई करनी तो कभी भी आसान नहीं होती। माँ की खैरखाई आसान नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरखाई की हमसे कुर्बानी नहीं मांगेंगे? तो ये खैरखाई का तकाजा है आज के दौर। और फिर खैरखाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि उनके अहकामात की इताअत की जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक क्या है? नबियों को किस लिए भेजा जाता था? अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुत्वा बिइज़्निल्लाह, कि मैंने तो रसूलों को भेजा ही सिर्फ इसलिए था। मोहब्बत और अकीदत के बाद असल तकाजा क्या है? उनकी इताअत की जाए, उनका इत्तिबा किया जाए। मोहब्बत का तो तकाजा ही है ना कि उनको मानने के बाद उनकी मानी जाए। तो फिर खैरखाही क्या है? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, हदीस को, उस्वा को अपनी जिंदगी में नहीं, माशरे में, गली कूचों में हदीस की तबलीग और अशात में भी अपना किरदार अदा किया जाए, उस्वा को आम करने में अपना किरदार किया जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनून तरीकों को माशरे में राइज करने के लिए अपना। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैरखाही कि जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब था। कौन सा दीन? सहरों से प्यारी चीज कौन सी थी? सबसे महबूब चीज वही होती है जिसके लिए आप सबसे ज्यादा कुर्बानियां देते हैं। मुझे बताएं, सबसे महबूब चीज कैसे पता चलता है कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा महबूब है? कैसे पता है कि माँ को बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है? क्योंकि माँ कुर्बानी उसके लिए सबसे ज्यादा देती है, रातों को उसी के लिए जागती है, गीले बिस्तर पर उसी के लिए सोती है, खुद ना पहन के उसी को पहनाती है ना? बाप और माँ को हमें कैसे डिसाइड करते हैं कि अम्मा अब्बा को बच्चा दुनिया में सबसे प्यारी चीज है? क्योंकि उसके लिए कुर्बानी और सैक्रिफाइसेस वो सबसे ज्यादा देते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे प्यारी चीज कौन सी थी जिसकी खातिर आपने सबसे ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की, जिसकी खातिर आपने जख्म बर्दाश्त किए, आपने अपना खून बहाया, आपने भूख काटी, आपने प्यास बर्दाश्त की, आपने सबसे ज्यादा मुशक्कतें बर्दाश्त की? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था। आयशा रजी अल्लाह तआला ना बड़ी महबूब है, लेकिन उनके खातिर पत्थर नहीं उठाए थे, उनके खातिर पेट पे पत्थर नहीं बांधे थे। क्या ख्याल, ऐसा है कि नहीं? तो सबसे महबूब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका दीन था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैरखाही का तरीका क्या है? कि जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि सुन्नतें पामाल हो रही हैं, हाँ सुन्नतें पामाल हो रही हैं, बिदतें राइज हो रही हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, आपकी हदूद और कयूद को जो है वो पामाल किया जा रहा है, तो उस पर तड़पना और उनको वापस राइज करने के लिए मेहनत और मुशक्कत करना, यही वो खैरखाही है जिसकी ये हदीस मुतालबा कर रही है। मैं आपको बताऊं, ये हदीस बहुत गहरा पैगाम रखती है और हमें इस्लाम के साथ ओवरऑल डील करने का एक बेहतरीन तरीका कार सिखाती है। अब भी मुझे बताएं कि
اللہ کے بندوں اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے اور کون سی حدیث آئی ہیں؟ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن. وہ آج این جی اوز بنی ہوئی ہیں ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن. آج یو این بن گیا ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے. سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کا چارٹر دے کے کون سا دین آیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک حدیث الدین النصیحہ, یہ ایک دین ہیومن رائٹ پروٹیکشن کا سب سے بڑا لمبردار نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, تم میں سے کسی کا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا. کب تک مکمل نہیں ہوتا؟ یہی تو خیر خواہی ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. یہی تو خیر خواہی ہے کہ تم مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. اور پھر تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا اگر وہ خود پیٹ بھر کے سیر ہو کے ایٹ ایز مچ ایز یو کین کر کے سو جائے, اور اس کا ہمسایہ, اس کے سرونٹ کوارٹر میں رہنے والا ملازم یا اس کے ہمسایوں کے سرونٹ کوارٹر میں رہنے والا ملازم بھوکا سو گیا, تو ایمان. یہی تو خیر خواہی ہے کہ میں پیٹ بھر کے سو جاؤں اور میرے ہمسائے بھوکے سو جائیں, یہ خیر خواہی نہیں ہے. یہ خیر خواہی کا طریقہ ہی نہیں ہے. اور پھر وہ جو حدیث ہے کہ مومن کا کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے. اس کا عیب اس کو کیسے دکھاتا ہے؟ کسی کی خیر خواہی کیا ہے کہ اس کی اچھی صفات بھی اس کو دکھائی جائے, اس کو انکریج کی جائے, اور اس کی برائیاں اس کو خاموشی سے, پوشیدہ طریقے سے, مخفی سے, اشتہار دے کے لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت اور بے آبرو کر کے نہیں, خاموشی سے اس کی کمی اور کوتاہی اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو انڈیکیٹ کر دی جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے. مومن کا آئینہ ہے, یہ خیر خواہی ہی تو ہے. اور وہ جو حدیث ہے المسلم, مسلم کون ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون بلسانه ویده, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے. یہی تو دو شر کے آلے ہیں انسان کے جسم میں. شریر آلے کون سے ہیں؟ ہمارے سب سے شریر دو آلے زبان اور ہاتھ. دل خراب ہوتا ہے تو پھر یہ دو آلے جو ہیں متحرک ہو جاتے ہیں. یا نقصان زبان سے ہوتا ہے اور یا پھر زبان سے ہوتا ہے یا ہاتھ سے ہوتا ہے. تو مسلمان, خیر خواہی کرنے والا مسلمان وہی ہے جو دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھے. اور یہ حقوق کی پروٹیکشن والدین کے ساتھ بھی ہے, ازواج کے ساتھ بھی ہے, اولاد کے ساتھ بھی ہے, ہمسایوں کے ساتھ خیر خواہی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا کون ہے؟ کہ جس کا ہمسایہ کہے وہ اچھا ہے, وہ اچھا ہے, اور جس کا ہمسایہ کہے وہ برا ہے, وہ کیسا ہے؟ وہ برا ہے. یہی تو خیر خواہی ہے کہ میرے ہمسائے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, قسم ہے وہ شخص ایمان ہی نہیں لاتا. مان گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتا؟ آپ نے فرمایا اللہ جی, وہ شخص جو لا یؤمنو, کہ وہ امن میں رہتا. کون جا رہا ہوں بے واقع ہی, اس کا ہمسایا اس کے فتنے سے امن میں نہیں ہے, وہ انسان مومن نہیں ہے. اپنے ہمسائے کو اپنے فتنے سے, اپنے شور سے, اپنے شرابے سے, اپنی لڑائی سے, اپنے تان و تشنوں سے, اپنی گالی گلوچ سے اگر محفوظ نہیں رکھتے تو یہ کیسی خیر خواہی ہے؟ یہ حقوق کی تو ہے ہمسایوں کے, یہ معاشرے میں حقوق کی تو ہے. اور پھر یہ حقوق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے مسلمان کو کتنے دن, تین دن تین رات سے زیادہ ناراض نہ رکھے. ایک سال سے زیادہ ناراض رکھا تو گویا تم نے اس کو قتل ہی کر دیا. روٹھے ہوئے کو منا لینے کے لیے اللہ سبحانہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے وسط میں کہا تمہارے لیے ایک محل بن جائے گا. یہ خیر خواہی تو ہے کہ جو روٹھا ہے اس کو منا لو, جو خفا ہے اس کو جوڑ لو. مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں, جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. یہ کیا ہے؟ یہی تو خیر خواہی ہے, یہی تو خیر خواہی ہے. تو لہٰذا یہ وہ سارے کا سارا دین. اور پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیا فرمائے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے کی مدد میں نکلے گا میں اس کی مدد میں نکلوں گا, جو میرے کسی بندے کے ایپ پہ پردہ ڈالے گا میں اس کے ایپ پہ پردہ ڈالوں گا.
करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह के बंदों के हकूक की हिफाजत करोगे तो अल्लाह तुम्हारे हकूक की हिफाजत करेगा, अल्लाह के बंदों की खैर खाई करोगे तो अल्लाह तुम्हारा खैर खाक बन जाएगा, अल्लाह के बंदों की बही खाक बन जाओगे तो फिर तुम्हारे लिए, तुम उन लोगों के ऐब उछालोगे तो क्या होता है, हदीस के अल्फाज मौजूद है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो किसी के ऐबों के दर पे हो जाता है, पीछे पड़ जाता है, तो जसूस करता है, कुरेद करता है, अल्लाह फिर उसके ऐबों के पीछे पड़ जाता है, यहां तक कि उसको अपने घर में भी जलील करता है। मजाक करने वाले के साथ क्या है, आपने फरमाया था ना कि अल्लाह सुभान तआला ने अपने जिम्मे लिया है, अल्लाह सुभान तआला ने अपने जिम्मे लिया है कि जो शख्स किसी दूसरे का मजाक उड़ाता है उसको मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अल्लाह के हुक्म से उसको वो उसी हाल में मुब्तला ना कर ले और लोग उस पर हंस ना ले। तुम किसी की खैर खाई नहीं करोगे तो फिर अल्लाह भी तुम्हारी खैर खाई नहीं करेगा। अल्लाह के बंदों की खैर खाई करना, उनके हकूक की हिफाजत, और कब कब करनी है, उनकी मौजूदगी में, उनकी गैर मौजूदगी में। हदीस के अल्फाज क्या है, जब गीबत से मना किया जाता है, और कुरान अल्लाह कुरान में फरमाता है ला यग तब, तुम किसी की गीबत ना करो, कुरान का ला बन के आ जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गीबत करोगे तो क्या, मैंने देखा कि वो अपने गोश्त को नोच नोच के खा रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत करने वालों को, चोरखोरों का अंजाम देखा। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी हकीकतें बताई तो बहुत दफा जब ये बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि जी हम तो गीबत नहीं करते, लेकिन हमारे सामने जब हो रही होती है तब हम क्या किया करें, जब हमारे सामने लोग महफिल में गीबतें कर रहे होते हैं तब हम क्या किया करें। हदीस के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना बेशक मिनल हक मुस्लिम वलल मुस्लिम, कि मुसलमान का मुसलमान पर हक क्या है कि उसकी खैर खाही करे, इजा गाबा जब वो गायब है ना तब भी उसकी खैर खाही करे, उसकी गैर मौजूदगी करे। तो गीबतों के साथ क्या करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत प्यारी हदीस है, आपने फरमाया कि जब एक मुसलमान भाई अपने गैर मौजूद मुसलमान भाई की इज्जत की हिफाजत उसकी गैर मौजूदगी में करता है तो अल्लाह उसके चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। अब देखिए कि एक शख्स है, वो महफिल में नहीं है, उसके पीठ पीछे उसकी चुगलियां हो रही हैं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी गीबतें की जा रही हैं, बहुत सी सहेलियां बैठ के एक फोन से हेली का मजाक उड़ा रही हैं, और हम भी वहां पे बैठे हुए हैं, और हम सिर्फ ये दो तीन जुमले ऐड कर देते हैं, नहीं वैसे जो तुम कह रही हो ना उसके बारे में ये सही नहीं है, तुम ज्यादती कर रही हो, वो ऐसी है नहीं। ये सिर्फ उसकी गैर मौजूदगी में जो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उसको बेआबरू किया जा रहा था, अगर उसकी गैर मौजूदगी में कोई सिर्फ उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए चार जुमले भी बोल देगा तो अल्लाह ने ऐसे खैर खा मुस्लिम बहन के लिए क्या वादा किया है, अल्लाह फिर कैसी खैर खाई करेगा, उसके चेहरे पर जहन्नम की आग हराम कर देगा। ये है वो मुसलमानों के साथ खैरखाही, और ये है वो हर सतह पर खैरखाही जब बंदा करता है तो क्या है, अल्लाह के साथ खैरखाही, कुरान के साथ खैरखाही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैरखाही करेगा फिर क्या बदला मिलेगा। आप कौन है, आप तो शाफी महशर हैं, आप तो हौज़े कौसर पर वारिद होने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश शाफी महशर ने जब सजदे में पढ़ के दुआ करनी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगो क्या मांगते हो, या अल्लाह उम्मती, तो मुझे बताएं ये खैर खाही क्या मेरे और आपके लायक है। अल्लाह हमें इस खैर खाही का मफहूम समझाए, अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फर्द से खैर खाही करना हम सबको अपने दीन की तकमील के लिए हमें इस पर आमिल होने की तौफीक अता फरमाए। हदीस फिर दोहरा लीजिए, अन्नसरा खैर खाही करो लिकुल मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए, वो अमीर है, वो गरीब है, वो बीमार है, वो सेहतमंद है, वो मर्द है, वो औरत है, वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद, लेकिन हदीस ने कह दिया कि खैर खाही करो हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए। अल्लाह सुभान व तआला हमें दिलों की तंगी से बचाए, दिलों की कुशादगी अता फरमाए, और जो हदीस हम पढ़ते पढ़ाते हैं अल्लाह उन पर अमल करना हम सब के लिए आसान बनाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिल लदुंक रहमा इन्नका अंत वहाब। हाँ जी सवाल आते,
बताएं जी, चाहे वो उसमें हो, क्या करना चाहिए? रिबत क्या होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया था, सवाल किया कि आपने फरमाया कि पूछा गया कि रिबत क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिबत यह है कि तू अपने मुसलमान भाई का तज़करा ऐसे करे कि अगर वो जान ले तो वो उसको बुरा महसूस कर, मतलब वो हर्ट हो, वो अपसेट हो कि मेरे बारे में वो ऐसी बातें कर रही थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे उसके अंदर वो ऐब हो भी, और मतलब हम सच कह रहे हो, वो झूठ बोलती है और हम उसकी गैर मौजूदगी में कह रहे हो बड़ी वैसे झूठी है, तो वो चाहे उसके अंदर हो भी, आपने फरमाया अगर उसके अंदर है तो ये गीबत है, लेकिन अगर उसके अंदर नहीं है तो फिर क्या है? फिर वो बहतान है, और बहतान कितना बड़ा गुनाह होता है बताए जी। बस फिर उस वक्त सिर्फ ये कह देना है कि जी आप गीबत से पास आ जाए, तो बस का हम इतना तो कह सकते हैं। अगर हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप उसको झूठा कह रही हैं वो वाकई झूठी, और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वैसे वो झूठी है नहीं है, तो फिर हम कहना हमें वैसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि जी उसका मामला उसके अल्लाह के साथ है, आप छोड़ दीजिए, वो जाने उसके अल्लाह जाने उसका साथ ही। हाँ जी, कोई और टॉपिक शुरू। वो तो अगर बुरा कह रहा है वो जाने उसका, दिल में तो बुरा कहना जरूरी नहीं कि इलानिया बुरा कहे, अगर वो उसको बुरा समझे, अगर एक हमसाया दूसरे हमसाये को अल्लाह सुभान ताला ने अपनी राय बताई है कि मेरे नजदीक बुरा कौन है, जिसको उसका हमसाया बुरा कहता है कि मतलब समझता है बुरा, ही थिंक्स बैड अबाउट हिज नेबर, अगर खुदा ना खास्ता मेरा हमसाया मुझे बुरा समझता है तो उसका क्या मतलब है कि फिर मैं अल्लाह की नजर में बुरी, और अगर मेरा हमसाया मेरे बारे में कहता है कि ये बहुत अच्छी है, मेरे साथ इसकी डीलिंग्स अच्छी है, तो फिर मैं अल्लाह की नजर में अच्छी हूँ, कहने का मतलब उसकी राय है बुनियादी तौर पर। ठीक है जी, जी हाँ जी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी से कोई मशवरा मांगते हैं, पता है दे सकते हैं वो, हाँ जी, और उसको गलत मशवरा दे देते हैं, असल में वो अगर आप इल्म के हवाले से पूछ रहे हैं तो किसी किस्म का भी जिंदगी के कोई भी अच्छा मशवरा वैसे जरूर दे देना चाहिए, वो तो फिर बहुत ही गलत है। हाँ जी, वो तो फिर बहुत ही, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, वो मैयू का शुक नफ्स पाउलाई का हमुल मुफली हूँ, जो दिल की तंगी से बच गया वही फला पा गया, तो अच्छा मशवरा ना देना या सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस ना देना असल में क्या है, दिल की तंगी है भाई, वो चीज मुझे मिल गई, मुझे पता चल गया एक अच्छा ट्यूटर पता चल गया जो मैथ्स का बहुत अच्छा टॉप ऑफ द लाइन है, और मेरी देवरानी का बेटा भी वही पढ़ रहा है, और मेरा बेटा भी वही पढ़ रहा है, और मेरी बेटी मेरी देवरानी आके मुझसे पूछती किसी अच्छे मैथ्स के टीचर का पता है, और जिसके बारे में मुझे किसी ने बताया ना, वो सारों से नकम्मा है, मैं उसका बता देती हूँ और अपने बेटे मेरे ट्यूटर का नहीं बताती, ये क्या है, क्यों नहीं बता रही, पीछे मुतहरिक जज्बा क्या है, हसद है, जलन है, कंपैरिजन है, और यह दिल की तंगी है, हाँ ये दिल की तंगी है भाई, मुझे जो खैर मिल गई वो इसको क्यों मिल जाए, तो हाँ हसद भी है, ये सारे गंदे जज्बे हैं ना, अभी वो ही बात है, अब दीन और नसीहा नहीं रहा, और वो नहीं रहा कि तुम्हें से किसी का ईमान उस वक्त तक पूरा नहीं होगा, ना दीन मुकम्मल ना ईमान मुकम्मल, अगर ये मशवरा गलत दे दिया और गाइडेंस गलत दे दी तो ईमान मुकम्मल हो रहे हैं, दीन मुकम्मल हो रहे हैं, ना दीन मुकम्मल ना ईमान मुकम्मल, हम तो शायद ये चीजें सोचते ही नहीं है, गलत मशवरा गलत रेसिपी बता देते हैं लोग, हाँ जाते जाते गलत रेसिपी बता देते हैं, अपनी रेसिपी भाई नहीं बतानी तो रेसिपी ना बताओ, कम से कम अल्लाह के बंदो गलत तो ना बताओ, हाँ बहुत दफा लोग नहीं बताते, जो नहीं बताता वो तो हिरस लालच कर रहे हैं, वो सेल्फिशनेस खुदगर्जी भी कर रहे हैं, और वो एक दिल की तंगी भी कर रहे हैं, सेल्फिश भी हो रहा है ना, और सेल्फ सेंटर्ड और कंसीटेड भी हो रहा है, और बहुत ही वो पोसेसिव भी हो रहे हैं इन चीजों पे, और अनानियत का भी शिकार हो रहा है, और शेयर भी नहीं कर रहा, वो जो अल्लाह सुभान तआला ने सूरह माऊन में क्या कहा था, वो मांगने की वाइल किसके लिए था, हा? साहून क्या होता है, छोटी छोटी मांगने की चीज है, तो रेसिपी तो मांगने की भी चीज नहीं है, कोई इस्तेमाल की चीज भी नहीं है, और मैं आपको बताऊं 80% लोग नहीं बताते ये दिल की तंगी होती, और वैसे आज लोगों ने बतानी नहीं होती तो बहुत दफा लोग पूछते ही नहीं है, कहो बतानी तो इसने है नहीं, मैं हमें पूछ के हल्की होती थी, और मैं पूछूंगी तो इसके मतलब है कि मेरी तरफ से ये कन्वे हो जाएगा कि मुझे तो, मैं तो मरी जा रही हूँ, और मुझे तो बहुत ही, मैं क्यों इसको कहूँ कि मुझे तुम्हारी रेसिपी चाहिए, एक तो ये हमारी मैज बहुत ज्यादा है ना,
है ना, हर चीज में हमारी मैं हमें बहुत सी, और फिर हमें वैसे ही पता होता है इसने बतानी तो है ही नहीं है, तो फिर आई माइट एज वेल मैं क्यों उसको वन अप करा दूं। तो सिर्फ बात है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं। वैसे मुझे बताएं कि अगर हमारी रेसिपी से कोई और बना लेगा तो फर्क क्या पड़ेगा, नियर एंड ऑफ द डे क्या फर्क पड़ेगा, तारीफ हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा। अपने घर में अपने मैदे अपनी चीनी अपने अंडे घी से उसने बनाना, खर्चा उसका आना, मेहनत उसने करनी। हाँ अगर मेरे ससुराल वालों में से एक उसके घर भी जाके कह देगा तेरी भी बड़ी है, और फिर उस वक्त होता नहीं मैंने इसको सिखाई थी, हाँ मेरे से इसने सीखी थी, मतलब दिस इज तकब्बुर। कई दफा ना इंसान महसूस भी नहीं कर रहा होता कि हम किस गैर महसूस तरीके से खुद नुमाई कर रहे होते हैं, शो ये सारा कुछ रिया ये तो है, और हम इन चीजों को रिया ना समझ, चीजों को महसूस, और ये चीजें इतनी कॉमन है। इसीलिए वो कहते हैं कि सहाबा इकराम का तो और या अंबिया इकराम का तो तरीका कि उनके दिलों में जब ख्वाहिश भी आती थी ना अपने जुमलों और अपने अमल पर तो मुहासबा ही नहीं, अपने अपनी ख्वाहिशात पर भी अपना मुहासबा करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मैं पिछली परसों जो थी वो आर्टिकल कम्प्लीट कर रही थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके दिल में ख्वाहिश आई, इनको इनके वाले से बहुत बड़ी हुकूमत मिली थी ना, तो इनके दिल में ये ख्वाहिश आई कि काश मेरा बेटा रिझाम जो है वो भी क्या बन जाए, वो मेरा जानशीन बन जाए, ये ख्वाहिश थी एक दिल में। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिजायर उन्होंने क्या किया था, दुआ मांग ली थी, नहीं, उसके बाद फौरन उन्होंने अपनी उस आरजू और उस तमन्ना का भी मुहासबा किया था कि एम आई जस्टिफाइड, क्या ये ख्वाहिश और ये जो आरजू भी मेरे दिल में आई है ये भी दुरुस्त है कि नहीं है। और फिर जब उन्होंने खंगाला कि मैं तमन्ना किस चीज की कर रहा हूं, तो ये उन्होंने फौरन रियलाइज किया कि ये तो इस काबिल ही नहीं है कि ये जो है इस इतनी बड़ी रियासत का हुक्मरान बने, तो अपनी ख्वाहिश पर भी इस्तग़फार किया था। तो कितना मुहासबा करना जरूरी है कि अपने दिलों में आने वाली जो डिजायर और जो तमन्नाएं और जो दिल में आने वाला ख्याल है ना, उसको भी हमें परखना चाहिए कि ये जो मेरे दिल में चीज आ रही है कि मैं इसको अपनी रेसिपी ना बताऊं, इसके पीछे मुतहरिक जज्बा क्या है, मैं क्यों नहीं शेयर कर रही अपनी ये चीज, मैं अपनी ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर करना चाहती, उसके पीछे आपको अपने रवैये की कबाहत और दिल की तंगी और सेल्फिशनेस और खुदगर्दी का इतना बड़ा पहाड़ और समुद्र नजर आएगा, और फिर हमें अपने चेहरे की जो है बदबख्ती वो भी नजर आएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें अपना इतना लगातार, और ये मुहासबा मैं आपको बताऊं जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं और ये सब कुछ करते हैं ना, तो फिर इन चीजों का वक्त नहीं रह जाता। इसीलिए कहा जाता है ना कि बोला बहुत ज्यादा ना करें, खामोशी में ये सेल्फ एनालिसिस और ये सारा कुछ तभी होता है ना जब हम खामोशी से जरा थोड़ा, आज लोग बोलते ही इतना है कि कॉन्सेंट्रेट करने का और एनालिटिकल होने का और सेल्फ एनालिसिस का भी टाइम नहीं रह जाता। तो अपनी ख्वाहिशात अपनी आरजुओं और अपनी तमन्नाओं तक का मुहासबा किया करें कि मेरे दिल में जो चीजें ख्वाहिशें और जज्बे भी आते हैं वो भी क्या दुरुस्त हैं कि नहीं, और मैं जब एक काम करने का इरादा करती हूँ तो उसके पीछे एनालाइज किया करें कि इसके पीछे ट्रिगरिंग डिजायर कौन सी थी, क्योंकि वो डिजायर भी बस, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या फरमाया कि गुमान ना किया करो। गुमान क्या है, गुमान कोई अमल होता है, गुमान भी तो दिल की हालत ही होती है ना, एक सोच का तरीका, तो सोच और रवैये और दिल की हालतें और जज्बात को भी एनालाइज करना जरूरी है। अल्लाह हासिब ना हिसाब दे ऐसी जी। कोई और सवाल जी हर्षी? उनसे क्या रखना गलत, दोस्ती रखना। एक्चुअली मेरे कनाडा में ना एक सही जो आपने पहला पोर्शन पढ़ा कि वो नॉन मुस्लिम्स और काफिर हैं तो इसमें कोई शक नहीं, बिकॉज वाजे तौर पर तमाम मुस्लिम दुनिया के उलमा
जब हमारी खत्म नबूवत की तहरीक मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने शुरू की, उसके बाद सारी दुनिया के उलमाए किराम इस बात पर कंसेंसस ओपिनियन था कि वो नॉन मुस्लिम हैं क्योंकि उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है। मैं उसके मोबाइल से मैं आज बहरहाल नहीं जाऊंगी, लेकिन ये कि पहली पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन तो जो आपने पढ़ी कि वो काफिर हैं, इसमें कोई शक का शुबा नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि क्या उनसे दोस्ती रखी जा सकती है कि नहीं, हम वलायत पर बहुत दफा बात कर चुके हैं और हम दोस्ती भी और ह्यूमन रिलेशनशिप से बहुत दफा बात कर चुके हैं। उनके साथ पहले तीनों फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद अ काफिर, विद अ यहूदी, एवरीबॉडी, वी कैन हैव ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, सिर्फ उनसे वलायत नहीं की जाएगी। उनको मिलना जुलना, उनकी खातर, उनकी मदारात, उनके साथ हेल्प, उनकी सपोर्ट, उनसे इल्म सीखना, उनको सिखाना, उनके साथ बिजनेस, ट्रेड, डीलिंग सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उनके साथ वलायत का वो जो कॉन्सेप्ट है कि दिली दोस्ती नहीं होगी और उनको मशवरा नहीं लिया जाएगा, उनको कॉफी वगैरह नहीं किया जाएगा। तो इन आर नॉर्मल डीलिंग हम उनके साथ वो तो नहीं कर रहे होते ना। असल में बात यह मैं आपको बताऊं कि दे आर एजुकेटेड एंड दे आर ट्रीटेड एंड दे आर ट्रेन्ड दैट वे। बाकायदा उनको एजुकेट और ट्रेन इस हवाले से किया जाता है। माइनॉरिटीज, अभी मैं पहले भी बात कर रही थी कि माइनॉरिटीज जहां पे भी होती है ना, वो बहुत प्रोटेक्टिव होती है और ऑफ द गार्ड होती है। तो उनको बाकायदा ये तरबियत और इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जब तुम लोगों ने मुस्लिम के साथ इंटरेक्ट करना है तो तुम लोगों ने क्या कहना है। तुम लोगों ने यही कहना है कि हम सब, अब वो यही कहते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं, हम आखरा को भी मानते हैं, हम एंजल्स को भी मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं, हम पिछले नबियों को भी मानते हैं, और हम ये नहीं कहते कि वो आखिरी नबी नहीं है। और हम असल में ऐसी बात नहीं है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बाकी सारी चीजों को तो मानते हैं, लेकिन नबूवत की, खत्म नबूवत के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। और इसमें कोई फर्क ही नहीं है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, क्योंकि अहमदी और मरजई है क्या, मिर्जा अहमद को आखिरी नबी मानने वाले या आखिरी नहीं तो नबी मानने वाले ही तो अहमदी और मरजई है। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज ओनली डिफरेंस, ताकि वो सारा कुछ हमारे वाला मान ले। लेकिन जब वो ये कहें, मैं कल ही सूरह हज़ाब पढ़ा रही थी और मैंने आधे घंटे की उससे बात की, तो उसमें जब वो ये कह दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन नहीं है, तो फिर उनका अकीदा मुकम्मल है। ये बात मैं बहुत दफा बताती हूँ कि अगर उनके अहले किताब या किसी और के खाने में हमारे ज़बीहा और हमारा हलाल फूड हो तो वो हमारे लिए हराम नहीं है। हाँ, वो हमारे लिए हराम नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन चीजों की इजाजत दी है, मतलब जो सारी चीजें हमारी हलाल है वो हम खा सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं। जी, हाँ जी बिल्कुल, उनके साथ अगर ताल्लुक रख के उनको समझाया जा सकता है। बिल्कुल, मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं चाहती हूँ कि वो जन्नत में जाए और बिल्कुल मैं उसको ये कहूँ कि बस अपने दिल में ये समझ लो, बिल्कुल खातिमा नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं, वो इतने कट्टर और इतने स्टॉन्च होते हैं कि हमारी बातों में आने वाले नहीं, कोशिश करना बहरहाल हमारी हमें जरूरी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल जी, अभी और फिर मिलने का मकसद भी तो ये है, शरीयत हमें नॉन मुस्लिम से मिलने से मना भी इसीलिए नहीं करती कि अगर हम मिलेंगे नहीं तो फिर दावत कैसे होगी और दीन कैसे फैलेगा। तो लिहाजा वो जरूरी रखें और ताल्लुक भी रखें, लेकिन बहरहाल उनके साथ वलायत नहीं होगी। बाकी हर नॉन मुस्लिम के साथ सब कुछ हो सकता है। जी जी, किसी को अहमदी होते हुए सारी सियासत जो है ना, वो थर्सडे क्लास में डिस्कस करते हैं। आप सियासत को बाहर और कुरान को अंदर लेके आया करें। जज़ाकअल्लाह, आपके सवाल का जवाब देना भी अब मनसब है मेरा, लेकिन असल बात यह कि शरीयत में इस बात की पाबंदी है कि एक नॉन मुस्लिम, जब एक शख्स काफिर साबित हो जाता है तो इस्लामी रियासत ने काफिरों के साथ उनको माइनॉरिटीज बना के, अकलियत बना के, और उनसे जजिया लिया जाता है और उनको सिर्फ उनके अपने जो माइनॉरिटी है उसका नुमाइंदा तो बनाया जा सकता है, लेकिन उनको इस्लामी रियासत के अंदर हुकूमत ओहदा दिया जाना, इसका तसव्वुर मौजूद नहीं है, वाज़े तौर पर मौजूद है। कुरान और हदीस से भी ये साबित नहीं है। सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वाज़े तौर पर फरमाया, जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वाग़लुज़ अलैहिम। अल्लाह तो ये कहता है जो कलमा को मुनाफिक है ना, उसको भी हुकूमत ओहदा इक़्तदार ना दो, उसकी भी गवाही कबूल ना करो, नौ
नॉन मुस्लिम्स को तो हुकूमत ओहदा इक्तदार देने का तसव्वुर इस्लामी रियासत में ना मदीना की में था और ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है. मैं आपको बताऊं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी करारदादे मकासिद जो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद करारदादे मकासिद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलामा कायदे आजम ने करारदादे मकासिद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने बनाई थी. जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने बनाया था और सारा इस्लामी रंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में करारदादे मकासिद ही से आया. करारदादे मकासिद और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वाज़ेह मौजूद है कि माइनॉरिटीज के नुमाइंदे इलेक्टेड नुमाइंदे तो असेंबली में आएंगे लेकिन ये इलेक्टेड नुमाइंदे हुक्मरान और मिनिस्टर्स नहीं बन सकते. ये वाज़ेह तौर पर हमारी शरीयत में भी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है. वो इलेक्टेड एमएनएस एमपीएस बनके अपने इलेक्टोरेट और अपनी जो माइनॉरिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो आएंगे लेकिन उनको मिनिस्ट्रियां नहीं दी जा सकती. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का भी पॉइंट है. हाँ जी ये कुरान का भी हुक्म है हदीस का भी तरीका है मदीना की बस्ती का भी तरीका है और मैं आपको बता रही हूँ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का भी है. जी हाँ जी बस चलिए जी कुरान खोल दीजिए. लिख के जरूर दे दीजिए. अल्लाह सुभाना ताला को तू कहकर क्यों पुकारा जाता है? अरबों के अंदर तू वाहिद को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अरबी में जब आप कह दिया जाए तो वो बसा औकात इज्जत की बजाय जमा का सीधा हो जाता है. सो टू इंश्योर कि अल्लाह की वहदानियत का तसव्वुर हो कि अल्लाह सुभान ताला की इज्जत में कमी नहीं है उसकी एक सिफत को मजीद कंफर्म करने के लिए अरबों में वाहिद को तू कहकर पुकारा जाता है. तो अल्लाह की वहदानियत को इंश्योर करने के लिए उसको तू कहकर पुकारा जाता है. जी और कहना के बगैर हमें नजर भी कहाँ आती है. कोई सिग्निफिकेंस नहीं अगर लाइन के ये हाथों की लकीरें जो हैं वो मेरी आइडेंटिफिकेशन की अलामत है और मेरे किसी उंगली की लकीर किसी उंगली के साथ और किसी अंगूठे की किसी अंगूठे के साथ नहीं मिलती और किसी दूसरे के साथ भी नहीं मिलती अदर देन दैट और कोई आइडेंटिफिकेशन कोई पॉइंट हदीस से साबित नहीं है. ये गैब का इल्म है. इसको देख कर मेरी मिजाज आशनाई करना या मेरे मुस्तकबिल का हाल मालूम करना जो किसी काहिन और नजूमी के पास नजूमी कौन होता है यही नजूमी है ना जो किसी काहिन और नजूमी के पास गया और उसने तस्दीक की उस बात की जो इतने होगी हाँ ये कह तो रहा है इसके तीन बच्चे हुए तो मेरे को तीन नहीं है. जिसने तस्दीक की किसी काहिन या नजूमी की बात की उसने कुफर किया. मकसद नहीं है मेरे चेहरे के रीतन का मकसद क्यों नहीं है बताए ये चेहरे के हल्के और चेहरे के रिंकल्स का मकसद क्यों नहीं है कि यहाँ पे मकसद मुझे क्यों याद आ जाए. मैं आपको बताऊं हमारे बाजू के ऊपर हमारी कोनी के ऊपर भी शिकने हैं हमारे घुटने के ऊपर भी शिकने और लाइने हैं उनका कोई मकसद क्यों नहीं है. दे आर जस्ट स्किन फोल्ड्स दे आर जस्ट स्किन क्रीजेस. वो बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में अपना हाथ बंद करता है तो वो बंद करने की वजह से खास शक्ल में उसके हाथ में क्रीजेस पड़ जाती है और हम जैसे हाथ खोलते बंद करते हैं उसकी वजह से हमारे हाथों में क्रीजेस पड़ जाती है और डिफरेंट लोगों के हाथों का स्ट्रक्चर पर है. किसी की उंगली बड़ी किसी की पाम छोटी किसी की बड़ी कोई ज्यादा जोर से भींचता है कोई कम भींचता है तो उसकी वजह से उसकी लाइनें फर्क होती हैं. दैट इज अबाउट ऑल. लेकिन हमारे सारे जिस्म के ऊपर शिकने भी हैं क्रीजेस भी हैं फोल्ड्स भी नहीं है. आफ्टर ऑल इफ दे आर नॉट इम्प्लीकेटिंग एनीथिंग व्हाई स्पेसिफिकली माय पाम इसके साथ कोई इम्प्लीकेशन नहीं है. हाँ जी बिल्कुल बस मैंने आइडेंटिफिकेशन की बात बता दी. ये कोई लकीरों की बात कर रही है इनकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है. ये जो यहाँ वाली लकीर है इसकी इम्प्लीकेशन क्यों नहीं होती पड़ जाती है ना यू वाली तो फिर वो हमारी तकदीर का फैसला क्यों नहीं करती वो हमारे जन्नत जहन्नम का फैसला करती है. इसका कोई निशानदेह नहीं है. हाँ जी कुछ भी तस्करा खास हदीस में मौजूद नहीं है. सनसेट और सनराइज कोई खास अलग इबादत मौजूद नहीं है बल्कि नवाफिल और सजदे से मना किया गया ना उस वक्त करनी है ना इस वक्त करनी
कोई करने का काम कुछ नहीं है, ना करने का काम है। हाँ जी, नहीं खामोशी भी नहीं है, कैरी ऑन व्हाट यू आर डूइंग, नॉर्मल रूटीन चलती रहेगी, बल्कि इबादत नहीं होगी, सजदा और नवाफिल नहीं होंगे, करने का काम कुछ अलग से बताया ही नहीं, वो जो करते हैं वो करते हैं, तो बाकी सारा दिन करने के काम है बस वो होते रहेंगे, ये बल्कि नहीं होगा। इन दो अवकात में करने के काम नहीं बताए गए, ना करने के काम हाईलाइट किए। सो वी विल कैरी ऑन आवर नॉर्मल रूटीन एंड वी विल नॉट लीव आवर रूटीन एंड डू दोस टू थ्री थिंग्स। ठीक है जी, वजू की तरतीब सुन्नत के मुताबिक होगी बिल्कुल, और ये तरतीब सिर्फ सुन्नत के मुताबिक नहीं है, ये कुरान के भी मुताबिक है। अल्लाह ने कुरान में भी जो वजू के अहकामात और चार अजाए वजू का जो तस्करा किया है वो इसी तरतीब के मुताबिक किया है। सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुंह का तस्करा किया है, फिर वो जिस ऑर्डर में तस्करा किया है वो हमारी तरतीब वैसी ही है हमारे वजू की, और उसको सुन्नत सेकेंड करती है। ठीक है जी, और दोनों पाओ में दायां बायां जो है वो कुरान नहीं बताता, लेकिन बाकी तरतीब आजा की कुरान की स्पेसिफाइड है, और उसमें दायां बायां जो है वो सुन्नत से साबित है। तो हम दायां पाओ और फिर बायां पाओ इसलिए धोते हैं कि ये सुन्नत से साबित है, और पाओ एंड में इसलिए धोते हैं कि कुरान ने एंड में पाओ का तस्करा किया। जी चलिए जी, कुरान शुरू करें, वैसे भी 12 बजे हैं, हम बक्सिल सीट नहीं कर रहे। रूबी जी, आपके जो सवाल है मुझे वॉइस क्लिप दे दीजिएगा, बल्कि आप लोग प्लीज मुझे जितने आपके सवाल होते हैं ना मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा ख्याल है सबके पास मेरे व्हाट्सएप के नंबर है, और अगर आपके पास नहीं है तो अपने एडमिन को भेज दीजिए। आई वुड नीड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जो आपके दिमाग में जिस वक्त सवाल आता है ना मुझे व्हाट्सएप पर क्लिप दे दिया करें, सो दैट मैं इंस्टाग्राम पे उनकी वॉइस क्लिप्स दे सकूं। ठीक है जी, मुझे ढेर से सवाल चाहिए होते हैं, मुझे बैठ के सोचना पड़ता है सवाल, तो मुझे सोचने से बचा दें खुद आप मुझे अपने सवाल देते हैं। नौशीन तो मेरा ख्याल है बहुत से सवाल देते हैं, और मुझे इतनी मोहब्बत आती है नौशीन बैठी मैं दोनों में इंस्टाग्राम रमजान में ना रोज मैं इंस्टाग्राम के सवालों के जवाब देती थी, और मैं देखती थी सुबह सुबह अपने कुरान क्लास पे जाने से पहले तकरीबन 7-8 बजे तो मेरी तैयारी खत्म होती थी, तो उस वक्त मैं फारिग होकर उसके जवाब देती थी। एक वहाँ पे अमेरिका में शाम का वक्त होता था, और मैंने द मोमेंट इंस्टाग्राम पे मैंने ऑनलाइन होना ना, तो उधर से नौशीन है सबसे पहले, और मुझे इतनी इन पे मोहब्बत आती थी, मैं शेरी को भी बता रही थी, मैंने उसको बताना कि मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बात करते हुए छोड़ के कहूँ अस्सलाम वालेकुम नौशीन कैसी है आप, ठीक है, लेकिन चूंकि वो ब्रॉडकास्ट होती थी मैं उस वक्त उनसे बात भी कर सकती होती थी, लेकिन वो ये कि वो वहाँ पे, और ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊँ बहुत इफेक्टिव भी है, लोग बहुत बातें उस प्लेटफॉर्म पर सुनते रहे होते हैं, तो मेरे पास अपने सवाल भी लाइए और फिर उसको इंस्टाग्राम पर सुन भी लीजिए इंशाल्लाह। चलिए जी, शुरू करते हैं।